हम सब परिवार थिएटर में देखेंगे My God, the trailer ने हिला दिया तो मैं इस पिक्चर का Fingers crossed. We'll see you soon. Yeah. कॉन्ग्रेचुलेशन बस ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी प्यार मिला ट्रेलर को और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म जो आप सबको देखनी चाहिए आर्टिकल 15 इज रियली इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट एंड इट इज़ द नीड ऑफ द आवर तो देखना बहुत ज़रूरी है फिल्म जी आज अनुभव सर ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि इसमें किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं है ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है आप पिक्चर देखेंगे बल्कि उनका फिल्म का प्रोटैगनिस्ट ही ब्राह्मण है तो ऐसा कुछ है ही नहीं फिल्म के अंदर आपको फिल्म देखनी चाहिए पहले आपने ट्रेलर डेफिनेटली आपने देखा तो आप बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा जो लोग कहते हैं कि फिल्म रिलीज नहीं होनी दी जानी चाहिए एक ऐसी फिल्म है जो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ आयुष्मान से इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट एंड आई एम सो ग्लैड इट्स बीइंग मेड एंड इट्स नॉट हर्टिंग एनी वन इफ एट ऑल इट विल एनलाइटन ऑल ऑफ अस सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट इट्स बीइंग मेड शाहरुख सर आगे मैं दो मिनट आता हूँ अभी
एब्सोल्युटली आई ऑल्सो अग्री. मैंने और किसी मूवी के लिए नहीं बोला कि टैक्स फ्री हो जानी चाहिए, बट ये एक ऐसी मूवी है जिसको टैक्स फ्री होना चाहिए. लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज के दौर में ऐसी चीज़ बनना बहुत बड़ी बात है. आई एम सो ग्लैड इट्स बीइंग मेड. थैंक यू. थैंक यू. पूरी तो उनको देखने गया था. सॉरी सॉरी. हाँ हाँ. आपके क्या थॉट्स हैं जब ये सब चीज़ें आप देखते हैं या कहीं आप पढ़ते हैं, तो आपके क्या विचार होते हैं? ऑफकोर्स ये जब मैं ये थिएटर स्ट्रीट थिएटर जब करता था, नुक्कड़ नाटक करता था कॉलेज में, तो सोशल इशूज़ के साथ काफ़ी डील करते थे हम, और कास्टिज्म को काफ़ी एलैबोरेट करते थे जब हम स्ट्रीट थिएटर कर रहे होते थे. और इसके अलावा काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं मैंने इसके ऊपर. वाइल्ड शूटिंग फॉर द फिल्म अनुभव सर ने मुझे कुछ बुक्स गिफ्ट की थी पढ़ने के लिए, तो उससे काफ़ी मैं एनलाइटन हुआ हूँ अबाउट कास्टिज्म इन इंडिया, जो काफ़ी रैम्पेंट है. रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो अर्बन एरिया में फिर भी आप देखते हैं इंटर कास्ट मैरिजेस हो जाती है, रूरल एरिया में नहीं होता है. बट हमें इस फिल्म के जरिए और एनलाइटनमेंट मिलेगी, जो लोग सोचते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है उनको पता लगेगा कि एग्जिस्ट करता है और हमें इसको सॉर्ट आउट करना है. बारिश होने वाली है, जल्दी बोलो. थैंक यू. अभी तो फिलहाल डाइजेस्ट चीज़ें नहीं हुई हैं कि ऐसा हो गया है कि इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है फिल्म को, तो अभी थोड़े दिन में शायद मुझे जब पिक्चर थोड़ी सी और एक दो हफ्ते पुरानी हो जाएगी तो मुझे शायद तब थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस होगी. बट फिलहाल तो आई एम वेरी हैप्पी. बदला से साल शुरू हुआ है, उसके बाद गेम ओवर. अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है इस साल. ये इस फिल्म को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, मुल्क से जानती हूँ इस फिल्म के बारे में. मतलब कहानी का आइडिया है मुझे, बिकॉज अनुभव सर से काफ़ी बात हुई है इस फिल्म के बारे में, तो इसलिए अब मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो सबने बातें करी थी वो स्क्रीन पे उतर के कैसे लगती है. वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरी पिक्चरों में भी कह चुके हैं, तो मेरे को तो आदत हो गई है, मैं क्या बोलूँ इस बात में. मेरे लिए कोई नया नहीं है कॉमेंट. अरे आउटफिट छोड़ो, मैं पिक्चर देखने दो यार प्लीज. थैंक यू. बारिश के साथ Do you have any questions?
ना कि कोई कौन सा सवाल नहीं पूछना ये पता है ना. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 देखने के लिए. मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे अनुभव सर ने फिल्म बनाई है. एक ऐसी हकीकत हमारे समाज की, हमारे देश की, जिसे हम अक्सर झुठलाना चाहते हैं, जिससे हम अक्सर अपना मुंह मोड़ना चाहते हैं. एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट कमर्शियल मेनस्ट्रीम बॉलीवुड ऐसे मुद्दों पे कहानियाँ बना रहा है. किसी ने इस फिल्म के साथ ऐसा बोला? आई मीन देखिए, आई पर्सनली फील कि बैनिंग और ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इसको ऐसी रैंडम डिमांड नहीं करते रहना चाहिए. हमारे देश में एक संस्था है, एक प्रणाली है, प्रोसीजर है जिसके तहत सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस होते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए. वो सेंसर बोर्ड है और जो CBFC की कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है वो है, जो FCAT का पैनल है वो है. सो आई थिंक दीज आर डिस्कशंस दैट यू नो, वो उन लोगों को ये निर्णय लेने चाहिए, ना ही मॉब्स को. नहीं बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बॉलीवुड एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी आसानी से मिलती है. स्टार्स जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनके चेहरे पहचाने जाते हैं. तो खुद विजिबिलिटी पाने का सबसे आसान तरीका है किसी एक सेलिब्रिटी या स्टार को अटैक करो और उनके दम पे और उनके नाम के दम पे फिर खुद भी आप अपने ग्रुप को थोड़ा ऐसे PR दे दो. तो वो हमने पिछले सालों में ये ट्रेंड काफ़ी देखा है, कई फिल्मों के साथ हुआ है. एंड आई थिंक it's a very not a helpful trend, it's a harmful trend. And I think that Bollywood is a soft target, and I think that considering ki hum itna heavy entertainment tax dete hain to hame kuch protection aur suvidhaen to milni hi chahiye aur kuch hona ho. Aapke jo kaun se aaye ya kinis aaye the pehle mein jacking in media and he should come here, sorry. देखिए आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप इस देश की एक बहुत छोटी माइनॉरिटी में से होंगे. ज़्यादातर तो मुझे अपने थॉट्स के लिए काफ़ी सारी गालियाँ ही मिलती हैं. बट आई थिंक दैट देखिए, अगर आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन हो और आपको अपने विचारों में विश्वास हो तो इट डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे. आपको पता है कि आप सच और सही के साथ खड़े हैं. आप इनका इंटरव्यू ले लो आप. नहीं, अभी कई सालों तक मुझे पॉलिटिक्स में घुसने का कोई प्लान नहीं है और कोई मंशा नहीं है मेरी, लेकिन लगता है आप मेरी दुकान बंद कराना चाहते हैं जल्दी. Hello, how are you? Good to see you. Hi, of course. Very well. Hi, how are you? So, hi guys, how's it going? Please, khatam karke aaye. Please. Thank you. हाँ जी, पिछला पूरा साल आपके और आपके भाई के नाम आए, तो ये ऐसी फिल्म है जिसमें काफ़ी विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, किस तरह देखते हैं? यार टचवुड, सबकी मेहनत जो है वो ऑलरेडी ट्रेलर से और कुछ तो रिव्यूज़ ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं. किसी ने 4 स्टार दिए, किसी ने 5 स्टार दिए हैं. टचवुड और भैया की परफॉर्मेंस की टचवुड पर फिर से तारीफ हो रही है. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पिछला साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. होपिंग फॉर अनदर क्रैक ऑफ अ ईयर. एंड आई थिंक ही हैज़ वर्क रियली 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 हार्ड टू डू व्हाट ही इज़ डूइंग, टू अचीव व्हाट ही अचीव्ड. एंड या, फिंगर्स क्रॉस फॉर दिस वन इज़ वेल. देखो, अगर आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म करनी है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो विवाद जुड़ने की संभावना होती है. उसको तभी आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं, तभी उसको कहते हैं कि वो नॉर्मल फिल्म से अलग फिल्म है. वो कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करती है जो अक्सर लोग जिसका परहेज़ करते हैं जो बात करना. सो अगर किसी ने
ये हिम्मत जुटाई है, अगर किसी राइटर ने डायरेक्टर ने उसके ऊपर स्टोरी उसके ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश की है, किसी एक्टर ने उसमें एक्टिंग करने की कोशिश की है और ऐसी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश की है, आई थिंक इसका फ्लिप साइड ये है, लोग कहते हैं कि यार अलग क्या है, अगर कोई नॉर्मल फिल्म कर दे कोई तो यार अलग क्या किया फिल्म में, अब अगर अलग करने जाएँ तो अगर कुछ ऐसा हो जाए तो आई थिंक इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर द फिल्म, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक दे आर सरपास्ड दैट स्टेज एंड रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स व्हाट पीपल आर लाइकिंग द फिल्म एंड गॉड ब्लेस द फिल्म, गॉड ब्लेस द फिल्म मेकर्स, एवरीवन। यार कुड़िया नहीं मेरा पहला सिंगल है, कंपोज इट, रिटन इट एंड सांग इट, एंड यार टच वुड गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम एवरीवन अराउंड, सो या लेट्स सी फ्यू लाइंस। कुड़िया नहीं मेरे दिल विच बस जा, कुड़िया नहीं तेरे बिन मैं नहीं हूँ जचदा, कुड़िया नहीं मैं तेरा दीवाना। व्हाट्स अप प्रिसु, हाउ इज इट गोइंग, एक और कुड़िया नहीं आ गई है साथ में, कुड़िया नहीं से पहले कुड़िया नहीं से सवाल पूछो। आपके दीवाना कुड़िया आर्टिकल 15 का ट्रेलर आपको कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अभी फिल्म देखने के लिए, आई वॉज सो एक्साइटेड कि आज रात ये करना है, मतलब डिनर प्लान अलग बात है, ये सब अलग बात है, लेकिन पहले फिल्म देखते हैं, पहले फिल्म देखते हैं टोटली। क्रिस्टल ने पहले ही सुन लिया था गाना, रिलीज होने से पहले क्रिस्टल सुन चुकी थी, तो या तो मैं जब उसने अपनी राय दी तो मैं क्रिस्टल क्लियर था इन द हेड कि ये ठीक है पारा का। हाँ जी सुपर। आपकी सवाल ये कि जैसे कि ये इस तरह की फिल्मों को हिंदी इंडस्ट्री में टैक्स फ्री की जानी चाहिए, अगर एक्टर यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फिल्म हो, कोई अच्छी फिल्म बने तो वो इन एनी केस लोगों के लिए ज़्यादा अप्रोचेबल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जो यू नो सोशल फ्रंट पे ज़्यादा यू नो आपको अपील करती हैं, आई थिंक इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल कैन इफ पॉसिबल कैन गिव अ लॉट ऑफ डिबेट। Honestly feel ki exactly what he said, it is just much better like that, but I mean the government knows best and we can only hope for the best. Yeah, thank you so much guys, thank you. If you're all green. Hi. Thank you guys. Hi. Hello. नहीं मुझे साड़ी मेरा फेवरेट आउटफिट है, तो मैंने सोचा इतना एक्साइटिंग फिल्म है, आज बहुत शुभ दिन है और ये मुझे अच्छा लगा, पहनने का मन किया तो पहन लिया। क्या विवाद है यार, कोई विवाद नहीं है सच में। हाँ प्रोटेस्ट हुए, मुझे सच में नहीं पता, किसी ने बस बोला कि हाँ किसी के खिलाफ़ है, पर खिलाफ है नहीं, आप फिल्म देखेंगे तो समझ में आएगा किसी के भी खिलाफ़ नहीं है, बस एक हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका एक रियल रिप्रेजेंटेशन है, और हम सबको पता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, हर जगह होता है, हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनेट दूसरे लोगों को, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो अरसों से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहा है, तो हाँ मतलब ये कोई अलग बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, पर ये फिल्म बहुत ही ऑनेस्ट रियल एक रिप्रेजेंटेशन है, और आप फिल्म देखिए तो समझ में आएगा, और एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है तो एंटरटेनिंग भी है, बहुत अच्छे एक्टर्स है, तो बहुत अच्छा लिखा गया था स्क्रिप्ट, सो या इट्स शॉट रियली ब्यूटीफुली, सो आई थिंक एज अ फिल्म इट्स अ रियली होलसम फिल्म। एक्चुअली उतने चैलेंजेस थे नहीं, आई थिंक the intent was very correct, which was to play it as authentically as possible, and Anubhav Sinha as a director hai wo bahut hi clear hai unko kya chahiye, to waise agar director milta hai aur jab script bahut hi acha acche se detail mein likha jata hai, Gaurav Solanki jo writer hai wo bhi the set pe aur itne acche actors, so I think it wasn't so difficult, you know, the most challenging part was actually to get the accent right, and taki idhar ka bhi nahi ho udhar ka bhi nahi ho correct ho, और सबका एक्शन मोरलिस मिले, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। टैक्स हाँ प्लीज़ कर दीजिए,
एक्चुअली ऐसी फिल्में बहुत सारे डायलॉग्स है, बहुत सारी बातचीत है जो ऐसे फिल्मों से इनिशिएट होती है, उसका शुरुआत होता है ऐसी फिल्मों से. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई माय फ्रेंड हियर इज सेइंग कि इस फिल्म को ऐसे टैक्स फ्री कर देना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा अगर कर देते हैं, क्योंकि ये बात ऐसी बात कहती है फिल्म जो शायद बहुत लोग कहने से कतराए, और ये बहुत ही ब्रेव एक इंटेंशन से बनाई गई फिल्म है. सो आई थिंक अगर होता है तो बहुत बढ़िया होगा. थैंक यू सो मच. प्लीज़ कम वॉच द फिल्म. हाँ मैं उधर जा रही हूँ ऐसे. प्रीति यू वांट्स अ फोटो विद द टू ऑफ अस. यार बहुत एक्साइटेड हैं ऑब्वियसली, सर की फिल्म है और आयुष्मान है एंड वी ऑल आर टुगेदर एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म. अभी तक कुछ दोस्तों ने देखी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सो जस्ट जाके इन्जॉय करें. ढेर सारी प्रॉब्लम में रहने के बावजूद भी अब फिल्म जो है 28 अक्टूबर रिलीज होनी है. आपको लगता है कि फिल्म को जो लोग कहते हैं कि रिलीज नहीं होने देना चाहिए, आप भी ऐसी आपके दिल में क्या ख्याल है? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया था कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए. बहुत अच्छा है फिल्म रिलीज़ हो रही है. हर चीज़ से हमें कुछ सीखना चाहिए, ना सिर्फ उसकी कमियां निकालते रहो हर चीज़ में. हर चीज़ में क्रिटिसिज्म मुझे लगता है अच्छा नहीं होता. हर चीज़ से कुछ अगर पॉजिटिव सीखें आई थिंक वो इम्पोर्टेंट. जिस तरह की ये फिल्म है, आप मानते हैं कि यार क्यों नहीं? मैं एक्चुअली मैंने अभी पूरी देखी नहीं है, मैं डेफिनेटली जाके देखना चाहता हूँ, बट जो टॉपिक है वो डेफिनेटली ऐसा है, और अगर वो बात लोगों तक कन्वे हो, जितनी ज़्यादा कन्वे हो उतना ज़्यादा अच्छा. थैंक यू. हाँ जी सर. हाँ थैंक यू. थैंक यू मैडम. मुझे लगता है अनुभव सिन्हा सर ने एक बहुत कमाल की एक डिफरेंट इनिंग्स खेली है आफ्टर मुल्क, एंड ये उनकी दूसरी फिल्म है, और हर जगह से बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो रियल इश्यूज़ पर वही चीज़ कहते हैं जो कहनी चाहिए, बिना उन्हें छुपाए, बिना कुछ लेयर्स लगाए. एंड आई थिंक अनुभव सर डज दैट, और आई बीन लकी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला उनकी तीसरी फिल्म में. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर मेनी एंड शॉक अ लॉट ऑफ देम, एंड आई थिंक इट्स समथिंग वेरी रेलेवेंट फॉर टुडे सोसाइटी. सो लुकिंग फॉरवर्ड. जिस तरह के मेकर अनुभव सर आए थे कि सेज थिंग्स द वे दे आर, और बिना देखे फिल्म को मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहती, बट मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ जैसे कहनी चाहिए उसे कब करना चाहिए. वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड वी शुड से द थिंग्स द वे दे शुड बी सेड. जो फिल्में लोगों को दिखाई जानी चाहिए जो उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें डेफिनेटली टैक्स फ्री करना चाहिए. शुक्रिया. थैंक्स. बैठ दूंगा मेरी मैं आता हूँ ना बाद आऊँगा छूने जा रहा हूँ सर. फाइनली तो ढेरों सारी प्रॉब्लम के बाद फिल्म रिलीज हो रही, तो आप बताइए आपने ट्रेलर डेफिनेटली आपने देखा.
अनुभव की फिल्म है, अनुभव करनी चाहिए लोगों को। और ये फिल्म इतनी आसानी से अगर इस देश में बंद होने लगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या काम है इस देश में। मेरे हिसाब से तो हर फिल्म टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड? बहुत ही एक्साइटेड हूँ। अनुभव बहुत पुराना दोस्त है हमारे, और दोस्त है हमारे बहुत पुराने और अजीज़ हैं, और अच्छी फिल्में बनाते हैं बहुत, तो इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म बाहर आ रही है। और बहुत बहुत मुबारक हो उनको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। एक्साइटेड तो बहुत हूँ बिकॉज अंकिता की बुआ जो अंकिता के फूफा जी जो है मनोज जी एंड अंकिता ब्रदर सीशान वो दोनों इस फिल्म में हैं एंड आई हैव हर्ड दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। एंड जो मुद्दा इन्होंने उठाया है फिल्म में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, बिकॉज अब इतने सालों से भारत सो रहा है, अब जागने की ज़रूरत है यार। आई थिंक इन टॉपिकों को जब तक नहीं छेड़ा जाएगा, जब तक लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, आई डोंट थिंक देश की हालत सुधर पाएगी। मुझे लगता है ये लोग ये वही लोग हैं जो लोग सुधरना नहीं चाहते, जो चाहते कि फिल्म रिलीज ना हो, बिकॉज आई थिंक ये फिल्में हैं जो आंखें खोलती हैं एंड जो गलत हो रहा है उससे दिखाती हैं। सो इससे हमें सीखना चाहिए, ना कि इसका अपोजिशन करना चाहिए। यार वो तो मैं पूरी फिल्म देखने के बाद ही बता पाऊंगा आपको, अब तक तो हाई ट्रेलर देखा है, बट आई थिंक इफ इफ दिस फिल्म इज कैरिंग अ सोशल मैसेज देन डेफिनेटली शुड बी अ टैक्सी फिल्म। बस इंशाल्लाह इन्हीं फैंस की दुआ से, प्यार से, अगर इसी तरह वो लोग प्यार करते रहे तो जल्द ही शायद बड़े पर्दे पर भी दिखेंगे। थैंक यू। आएंगे बाद में लाता हूँ। अरे वो बोला बाद में नहीं रहे। हाय। ओके सो ट्रेलर आपने देखा होगा, आप फिल्म देखने वाली हैं, कैसा लगा ये ट्रेलर आपको? मुझे ट्रेलर बहुत ही ऐसे धमाकेदार लगा और बहुत ही इंटेंस और बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई मीन आई एम श्योर वी गोना वॉच सो मेनी थिंग्स जो हमने पहले फिल्मों में नहीं देखी है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट जो हमारे संविधान आर्टिकल 15 जो मेंशन है उसके ऊपर पूरा फिल्म है, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट अ रियलिस्टिक फिल्म। लोग कहते हैं कि इस फिल्म को रिलीज नहीं की जानी चाहिए, एज एन एक्टर आप मानते हैं कि फिल्म ऐसा कुछ है या फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए? क्यों नहीं रिलीज करना चाहिए? बट मुझे तो लगता है कि अगर आप कोई भी फिल्म आप इतनी अच्छी बना रहे हो तो सारी फिल्में जितनी में रिलीज डिजर्व करती हैं। थैंक यू सो मच। श्योर। जान कैसी लगी बारिश, इस गर्मी वाली बारिश कैसी लगी? बस ये जानना चाहिए कि आपने आर्टिकल 15 का ट्रेलर देखा, फिल्म देखने जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड है आर्टिकल 15 को देखने के?
वेल आर्टिकल 15 का प्रोमो, हर गाने, कॉन्सेप्ट, सब कुछ बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है. एक्चुअली जब जैसे ट्रेलर आता है तभी आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है. तो आई थिंक ये आर्टिकल 15 का जैसे ही ट्रेलर आया तभी मन बन गया था कि हमें ये फिल्म देखनी है. देखिए जब सेंसर बोर्ड पास कर देता है तो आई थिंक वो पूरा एक टीम बैठी रहती है और वो डिसाइड करती है. जब वहाँ से पास हो गई है तो उसके बाद तो मुझे लगता है नहीं है कि किसी भी फिल्म को रोका जाए. बिल्कुल बिल्कुल, जो फिल्म हमारी समाज को कुछ सिखाता है और कुछ दर्शाता है तो डेफिनेटली ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए और फिल्म देखें, क्योंकि फिल्म हमारी कल्चर को दर्शाता है, बहुत कुछ सिखाता है. आई थिंक ये एक ऐसा मीडियम है जो बहुत कुछ सिखा सकता है और बहुत कुछ बदलाव कर सकता है. अपने लुक को अनवील करना चाहेंगे जाते हैं जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे अनरिवील, मुझे लगा कि आप बोल रहे हो बाल खोल के रिवील कर दो. नहीं, इसके लिए सरप्राइज़ है. थैंक यू. टोटल स्टार कास्ट के साथ साथ डायरेक्टर सेंसिबल पिक्चर है, तो आई थिंक समथिंग दैट आई एम बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू. खास करके क्योंकि मैं अनुभव के साथ काम कर चुका हूँ, सो आई नो हाउ गुड ही इज़ एट हिज वर्क एंड लुक्स लाइक अ वेरी वेरी गुड फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म लग रही है, तो एक्साइटेड. ईच वन इज़ ओन ओपिनियन. मैं चाहता हूँ कि फिल्म देखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वॉट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग एंड इफ प्रोजेक्टेड राइट वाई नॉट. या एज एन एक्टर आप मानते हैं कि इस तरह की फिल्म में टैक्स फ्री कर दी जानी चाहिए? देखिए टैक्स फ्री क्या करनी होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड. बट एक अच्छी फिल्म को एक अच्छी रिलीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है एंड ऑफ कोर्स मुद्दे अगर सही हो तो टैक्स फ्री ज़रूर होना चाहिए. आखिरी सवाल, आपकी भी फिल्म आ रही है बहुत बड़े लेवल पर, इसका ये लुक भी है, आपके पहले की बात की, आप बता दीजिए कि कब तक, मतलब क्या स्टेटस? आई थिंक अगस्त एंड सितंबर की प्लानिंग है, एक दो दिन में पता चल जाएगा. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू. थैंक यू. हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो आर्टिकल 15 सेंटर देख रहे हैं आपकी सवारियाँ से, आर्टिकल 15 आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, तो बताइए कितनी एक्साइटेड है आपको इस फिल्म को देखने के लिए? जो भी बोलना चाहे ठीक है. ट्रेलर देख के सबसे पहले मुझे याद है कि
मैं अपने आप को रोक नहीं पाई. मुझे मैं चाहती थी सबसे पहले सबको बताऊँ. मैं ट्वीट किया, फेसबुक पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, क्योंकि स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अगर कोई भी बात करता है, और ना ही जात और जेंडर और जितनी भी कास्ट है उसके अगेंस्ट भी नहीं, इट टॉक्स अबाउट मेनी इशूज़. और हमारे आर्टिकल 15 में अगर देखा जाए तो कितने भी इवेंट्स होते हैं, कितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और कितने लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर सकते हैं, वर्बली बोलते हैं नहीं, तो देर आर डिस्क्रिमिनेशन. यू समहाउ थिंक कि ये ऐसी चीज़ें हैं और हम जीने लगते हैं इन सब चीज़ों के साथ बिना कुछ उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करें. तो एक आदमी ने आवाज़ उठाई और इसके बारे में कहानी है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस एंड वी आर एक्साइटेड. हाँ, छोड़ा नहीं. एक्चुअली आयुष्मान की फिल्म है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड. वी रियली वॉन्ट टू सपोर्ट हिम. ही इज़ डूइंग इनक्रेडिबल. उनकी सारी मूवीज़ स्टोरी बेस्ड होती हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो देते हैं. एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, सो वी आर हियर टू सपोर्ट हिम. एंड एवरी टॉपिक ही चूजेज इज़ वेरी इंस्पायरिंग. सो वी आर हियर इन द कैपेसिटी ऑफ हिज फैंस एंड हिज फ्रेंड्स. सो आई नो दिस फिल्म विल बी इनक्रेडिबल, जस्ट लाइक अंधाधुन. अंधाधुन आई फील has been a benchmark for me in all the films that I have seen in last 10 years. So I hope this really goes above Andhadhun. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Keep looking. Started or what? Four has. Thank you. Very excited. I saw the trailer, or trailer dekhne ke baad I really, this is a film which deserves to be told to the audience. Aur main bahut khush hu ki is topic pe film ban rahi hai. I'm so glad that you know Ayushman is doing it. I'm really looking forward. Bahut alag film hai jo Ayushman, you know, apne badhai ho mein dekha hai. So I'm very very excited to watch the film. I'm logo ka aisa kehna ki is tarike ki film ko like tax free kar diya. Ji ji zarur. बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस तरह लाइक ऑनर किलिंग ये मुद्दा बहुत कॉमन है इंडिया में. टैक्स फ्री होगी तो बहुत ज़्यादा लोग जाके देखेंगे. सो इट्स बेटर ये मैसेज जितने ऑडियंस तक जाकर पहुँचे, यू नो, इट्स बेटर. थैंक यू, थैंक यू गाइस. नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. आई थिंक द ट्रेलर वॉज फैबुलस. एनी फिल्म दैट टेक्स ऑन द कास्ट सिस्टम इन आर कंट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिल्म. आई एम सो ग्लैड दैट द फिल्म बीन मेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट. थैंक यू. हेलो, ऊपर. दिस इज माई फ्रॉस्टेड ग्लासेस आर फ्रॉस्टेड विद बताइए बताइए. बोलो बोलो. हाँ, शाहरुख से ब्लेस करने आए हमें, और उनकी एसोसिएशन अनुभव सर के साथ पहले रह चुकी है, और ही इज़ रियली प्राउड ऑफ द फिल्म आई एम श्योर, क्योंकि उनको ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा. फिल्म देखेंगे, बताते हैं कैसे कैसी लगेगी उन्हें. जी आप बताइए. आई थिंक ऑफकोर्स टैक्स फ्री किए जानी चाहिए, क्योंकि ये वाली फिल्म जितने लोगों तक पहुँचे उतना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज जो है ये कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, कोई एंटरटेनिंग फिल्म ऐसे नहीं है, क्योंकि ये एक ग्रिम सब्जेक्ट पे बेस्ड है, और जितने भी लोगों तक पहुँचे उतना बेहतर है, इसलिए टैक्स फ्री तो होनी चाहिए. और हम आपके वो पुलिस वाले के गेटअप की बात कर रहे थे. जी, आई थिंक आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म, और पुलिस वालों की बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में. और इस फिल्म के अंदर जब भी मैंने पुलिस का कॉस्ट्यूम पहना था कॉस्ट्यूम ट्रायल में, तो एक सेंस ऑफ पॉइज आया था, एक ऑरा आया था मेरे आसपास, जो मुझे खुद फील हो रहा था. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू बेस्ड फिल्म, और इशू के साथ
मैं बिलीव रखता हूँ, इसलिए मैं वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन आर्टिस्ट भी रखता हूँ मोर देन पुलिस ऑफिसर ऑल्सो इन द फिल्म. जी हाँ, 28 जून को रिलीज़ हो रही है आर्टिकल 15. प्लीज़ वॉच द फिल्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट, और बी द ट्रिगर टू द चेंज. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइज. थैंक यू. थैंक यू. How are you doing? Good evening. जी हम तो अव्वल तो आयुष्मान जो है वो बहुत करीबी मित्र हैं हमारी, बिल्डिंग में ही रहते हैं आयुष्मान और ताहिरा. तो उन्हीं ने जो न्योता दिया उसके नो सो देयर इन्विटेशन एंड आई होल्ड देम इन वेरी हाई रिगार्ड. दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड आई ऑलवेज हैव माई बेस्ट विशेज फॉर आयुष्मान. ही ब्रिंग्स एवरीबडी फ्रॉम द फ्रेटर्निटी अ लॉट ऑफ ग्रेस विद द चॉइसेस ऑफ फिल्म्स दैट ही डज. एंड ऑफ कोर्स द ट्रेलर्स हैव गॉट यू नो एवरीबडीज अटेंशन एंड आई रियली होप द फिल्म डज वेरी 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 वेल. आर्टिकल 15. जी हम अच्छे केवल अच्छे चुनाव नहीं, बहुत हिम्मती चुनाव करते हैं आयुष्मान. तो अक्सर क्या होता है कि जो भीड़ चाल होती है लोग वो फॉलो कर लेते हैं और उस भीड़ चाल के चलते जो है वही कर लेते हैं जो अक्सर अधिकतर लोग जो है चॉइसेस लेते हैं फिल्म में. बट आयुष्मान इज़ नॉट लाइक दैट. यू नो ही बिलीव्स इन अ फिल्म एंड ही ऑलवेज टेक्स अप अ कॉन्सेप्ट दैट मोस्ट पीपल वुड प्रॉबली यू नो नॉट बिलीव इन, यू नो दैट टू दैट एक्सटेंट और समहाउ ऑल्सो टेक अ स्टेप बैक. बट आयुष्मान ऑलवेज गोज अहेड एंड इट्स अ वेरी करेजियस थिंग एंड ऑल्सो आई फील दैट इट इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग. सो जी हाँ, मैं अकेले आया हूँ. सरगुन की आज शूटिंग चल रही है उनकी पिक्चर की, आज बॉम्बे में ही शूटिंग चल रही है तो वो नहीं यहाँ पर. बहुत अच्छा कर रही है जी, जिस तरह से चुनाव सरगुन भी कर रही है जी, निकल आप भी ट्विटर वगैरह पे करते रहते हैं, बहुत ही मतलब प्रभावशाली उनका जी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो भी बहुत अदाकारा कैसी हैं वो तो आप जानते ही हैं. बट मोर देन एनीथिंग एल्स आई थिंक शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्रिएटिव. शी इज़ ऑल्सो समबडी हु रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट विद द काइंड ऑफ चॉइसेस शी मेक्स एंड इट्स कमेंडेबल. हाँ जी, थोड़ा गला वाला चलता रहता है. जल्द आपको पता चलेगा, बहुत जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है बहुत जल्द. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. चलो एक्चुअली आप जब काम करते हो फिल्म के अंदर तो ऑब्जेक्टिव रहना बहुत मुश्किल रहता है बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रिप्ट पढ़ी है फिर उसके अंदर हो आप तो आई थिंक यू लूज़ ऑब्जेक्टिविटी. तो देखते हैं, अभी आज देख रहे हैं सब. शाहरुख खान सर आए हैं और कौन कौन बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. तो देखते हैं क्या रिएक्शन मिलता है. बट आई थिंक द मेन थिंग इज़ ऑडियंस. 28 को पता चलेगा क्या हो रहा है. जी जी बिल्कुल, मैंने उनके साथ एक ऐड वगैरह भी किया है तो हाँ हो गई. आई थिंक वैसे भी हो ही रहा है. हाँ मतलब रिलीजन भी बहुत सालों से इस गवर्नमेंट में तो स्पेशली डिस्कस हो ही रहा है एंड बहुत सीरियस विषय तो है. क्या जानना चाह रहे हैं आप? ज़रूरी तो नहीं है. आई थिंक चर्चा कभी कभी सिर्फ चर्चा बन के रह जाती है. तो कुछ अगर स्टेप्स ले पाएँ इस दिशा में तो बहुत अच्छा होगा. एंड आई थिंक हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ ये तो नहीं बोल सकते कि फिल्म बना दी, हैशटैग लगा दिए तो काम हो जाएगा. हमें भी अपनी तरफ से काम करना है. हम भी अपने, हमारे साथ भी लोग, यू नो मेरे ड्राइवर हैं, मेरे
हेल्पर्स हैं, तो आप भी कैसे ट्रीट करते हैं आप अपने घरों में? पहले अपने घर से तो शुरुआत होनी चाहिए, फिर देश की बातें करेंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी, फोटो एक मिनट में. बारिश हो रही है, नहीं चाहिए, बॉय नहीं आया. थैंक यू.